आप फायदा उठा सकते हैं हमारे 23 ऑनलाइन चर्चेस का जो कि भारत की सारी प्रमुख भाषाओं में उपलब्ध हैं, और इसके अलावा हमारे पास 3 विशेष चर्च हैं, एक टीनेजर्स के लिए जिसका नाम है तूफानी और ज्ञानी 3, बच्चों के लिए हमारे पास ऑनलाइन चर्च है, और गूंगे और बहरों के लिए भी हमारे पास चर्च है, साइन लैंग्वेज का चर्च। उसके अलावा आप हमारे ऑनलाइन चर्चेस को देख सकते हैं उड़िया में, तेलुगु में, तमिल में, गुजराती में, कन्नड़ा में, तुलु में, इंग्लिश में, हिंदी में, छत्तीसगढ़ी में, राठौरी बरेली में, असामीज में, मराठी में, पंजाबी में, नेपाली में, कोंकणी, मलयालम, सिंधी, भोजपुरी, बंगाली और मालवानी में। इनका फायदा उठाइए और पूरे भारत में लोगों को सुसमाचार सुनाइए। गॉड ब्लेस यू। वो बादशाहों का बादशाह है, वो हमारी महिमा की आशा है। हालेलुया, यीशु मसीह जीवन की परिभाषा है। बादशाहों का बादशाह, मेरी महिमा की तू आशा, यीशु जीवन की परिभाषा, तू है मेरी श्रेष्ठता। बादशाहों का बादशाह, मेरी महिमा की तू आशा, यीशु जीवन की परिभाषा, तू है मेरी श्रेष्ठता। मैं हूँ दीवाना तेरा, तू है मेरा पहला प्यार। मैं हूँ तुझ पे फिदा, तू है मेरा जहां। बादशाहों का बादशाह, मेरी महिमा की तू आशा, यीशु जीवन की परिभाषा, तू है मेरी श्रेष्ठता। तेरे ख्वाब है मेरे, तेरी ख्वाहिश मेरी, मेरा हर पल तेरा मैं जीता तेरे घर। तेरे ख्वाब है मेरे, तेरी सारी ख्वाहिश मेरी, मेरा हर एक पल, हर पल तेरा मैं जीता तेरे घर। ओ मेरे बादशाह, बादशाहों का बादशाह, मेरी महिमा की तू आशा, यीशु जीवन की परिभाषा, तू है मेरी श्रेष्ठता। बादशाहों का बादशाह, मेरी महिमा की तू आशा, यीशु जीवन की परिभाषा, तू है मेरी श्रेष्ठता। बादशाह, मेरे बादशाह, तू है मेरी श्रेष्ठता। तू मेरे बादशाह, बादशाह मेरे बादशाह, तू है
Praise the Lord, Hallelujah. स्वागत है आपका सुंदर सभा में. ये समय प्रार्थना का है, जहाँ कहीं भी आप हैं अपने स्थानों पर खड़े हो सकते हैं. अपने हाथों को स्वर्ग की तरफ उठाए और परमेश्वर की आराधना करें, उसकी स्तुति प्रशंसा करें. अपने मुंह को खोले और परमेश्वर का धन्यवाद दे. उसकी प्रशंसा के लिए, उसके सम्मान आदर के लिए परमेश्वर का धन्यवाद दे. रिब्रोज आंग देख दे रे बोज आंग ली दरे बोश आंग रा लिब्रा असेर ले कोन दर गजीर ले बोन दा आंग ले वा लिब्रा से केर बदीर ल आंग लो दर गजीर ले बोन दर गजीर रा ले ब्रान द मले ग द आर ने दरे दरे गो दोन रीज मांग दे रे लमो कर ले दर मांग लो दर गजीर रा ले बा अले दरे ले गो दोन रीज रांग ले दर रीज दो दर हा जे ब्र नो शे हिम ईरा आली द अले दर लो दर गजीर ले ब्रो लो दर गजीर रा ले म आंग दी अले अले द अक्रोज अंदर गे दर गदीर मोन दर गजीर धन्यवाद. हम इस समय प्रार्थना कर रहे हैं. हमारे पहले बिंदु जो है, हम प्रार्थना कर रहे हैं कि सुसमाचार बिना रुके फैल रहा है. भजन संहिता उसका 22वां अध्याय 27 से 29 वचन कहता है, पृथ्वी के सब दूर दूर देशों के लोग उसको स्मरण करेंगे और उसकी और फिरेंगे, और जाति जाति के सब कुल तेरे सामने दंडवत करेंगे, क्योंकि राज यहोवा ही की और सब जातियां पर वही प्रभुता करता है. पृथ्वी के सब पुष्ट पुष्ट लोग भोजन करके दंडवत करेंगे. यह सब जितने मिट्टी में मिल जाते हैं और अपना अपना प्राण नहीं बचा सकते, वे सब उसी के सामने घुटने टेकेंगे. प्रेरितों के काम उसका 28वां और 28वां वचन कहता है, सो तुम जानो कि परमेश्वर के इस उद्धार की कथा अन्य जातियों के पास भेजी गई है और वे सुनेंगे. प्रेज द लॉर्ड. प्रार्थना करें और घोषणा करें कि हमारा अनोखा संदेश दुनिया के देशों में तेजी से फैल रहा है. हमारे चर्च सभी शहरों में और राष्ट्रों में स्थापित हो रहे हैं. हर जीव और जाति जाति को पृथ्वी के छोर तक पहुंचाते हुए घोषणा करते हैं. दुनिया भर के लोग प्राप्त कर रहे हैं और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से सारे जगत में हमारे संदेश और सेवकाई के अधीन हो गए. घोषणा करें कि वे हमारे संदेश की सदस्यता ले रहे हैं. प्रेज द लॉर्ड. और दुनिया भर में हमारे परमेश्वर के मनुष्य के अनुसार सुसमाचार के राजदूत बन रहे हैं. आइए प्रार्थना करें इस वचन के अनुसार. री प्रोन दर कला रमांग दे रे लोज इंदल के दर बदांग लोज हा इराला ईज मांग रोल ईद मांग दे रे बदों के लगे दे रे बदें लोज दर कसी करा ले ग्रां दर के दर बदों के लगे के रे को दर कसी दर ले के आंक लोश ईद रे के दांत मो दर कसी दर ले बारो वो दर ईज आला ले बों दर कसी दर आक्रोज इंदल के दर बदांग लोज दर कसी दर के दर बदांग लोज आमां के दबा मीराला बाजीर लोश है मिंग एलेम लोन दर कसी ला ही द मोन दर कसी दर के दर मांग लो दर ईज आला ले ब्रां दे के रे बदों लो दी दर आला मांगला ring do la di dra mang lo der gizi der gizi der badang lo der gizi der gizi der badang le pro si dra libra aser le ke da ring lo der gizi zar la hi zaman le gizi ra le ge zaha li gra der go do la hi zaman lo der gizi dra li gra der ke der badong la di ger la mang lo der gizi dra wa ing lo der gizi ra le ke der mang lo der gizi der gizi der badang lo der gizi dra wa libra der ke der badong le ke der mang lo she in der ke der badang ra hazer la re gedar lo sa la re gedar la mang lo der gizi dra libra le ke der badong le ke der mang lo درگزید لے گران کلو شہید را ایرے رے رے گدا لو سہیر لے گزاد لو درگزید را لی بابا رے گرون دہا لی بابا روز اکرید بدرنگ لو درگزید لے گزر مانگ لو درگزید آ مانگ رو سہا مینگرا لے گیز ہا مینگرا لے گیز ہا لو زکید لو درگزید لے لے گراند لے گراند لے گراند لے گرون درگزید لے گزا او ہالیلویا ओ धन्यवाद परमेश्वर. हम कहते हैं परमेश्वर सुसमाचार आप परमेश्वर विश्व के हर देश में फैल रहा है यीशु मसीह के नाम में. जाति जाति के लोग परमेश्वर इस सुसमाचार के संपर्क में आ रहे हैं और परमेश्वर उनका जीवन बदल रहा है यीशु मसीह के नाम में. धन्यवाद परमेश्वर. धन्यवाद पवित्र आत्मा के द्वारा ये सुसमाचार हर व्यक्ति ग्रहण कर पा रहा है यीशु मसीह के नाम में. धन्यवाद परमेश्वर. हाँ परमेश्वर विश्व भर में ये संदेश हमारे द्वारा हर व्यक्ति तक पहुंचेगा यीशु के नाम में.
ओ धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम में, आमीन, हालेलुया। अभी भी हम प्रार्थना कर रहे हैं, हमारा प्रार्थना का दूसरा बिंदु है कि हम प्रार्थना कर रहे हैं हमारे फर्स्ट टाइमर्स के लिए और नए विश्वासियों के लिए। प्रेरितों के काम उसका 16:5 कहता है, इस प्रकार कलीसिया विश्वास में स्थिर होती गई और उनकी गिनती दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। धन्यवाद दीजिए परमेश्वर का, विशेष रूप से हमारे फर्स्ट टाइमर्स के लिए, नए विश्वासियों के लिए जो हीलिंग स्ट्रीम्स के द्वारा हमारे साथ जुड़े हैं। घोषणा कीजिए कि उनमें से हर कोई विश्वास में मजबूत हो रहा है और हमारे वे सेल और चर्च में बने रहेंगे और उनकी वृद्धि होगी और वे यीशु मसीह के साथ एक प्रभावी चेले बनेंगे। हालेलुया। लेट्स प्रे। रिप्रोजांड लेग रास हो रहा लेगा दे इबारा की जुरोंड लेग रांड लेग दे रमांग लो शहाब ली ग्रास से केर बोदो नरीग जाल लके दो मों नरीग जाल लरीग रो साहब ली ब्रांड दे रेगे दे रमांग लो नरीग जीद लेग दहाब ली बारो दो नरे ली ग्रांड से केर मदीर लेग दे रमांग लो नरीग जीद लेग दे रमांग लो नरी जरा लेगे जहा लेगे जरो दरीग जरोंड लेग दीर ले ब्रो नरीग जीद लेग दे रमांग लो नरीग जीद रा ले ब्रांड लेग दे रमांग Mamma Kera la Hazira, Alera Liza, Lose, La Zorele, Kero Mondra la Manga de la Ha, Miros Ale, Miros Ikre Lebos, Alakira Mandelegza, Lera la Kira, La Kira, La Kira, La Kira, Le Bonder Gazidera, Libra la Manga, Londer Gazidere, Madame Londer Gazidere, Mamma Malito, Maligos Adeke, Aliga Sarigondere Gahan, the Labour Losaha, Libra Legosha, Libra Dogira Manga Londer Gazidera, La Baba Haze, Oh Hallelujah. धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। हर फर्स्ट टाइमर परमेश्वर, हर नया विश्वासी जो हमारे साथ जुड़ा है, हाँ परमेश्वर वो मसीहत में मजबूत हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। हम उनके अंदर परमेश्वर विश्वास मजबूत हो रहा है, वो मसीह में परिपक्व हो रहे यीशु मसीह के नाम में। हाँ परमेश्वर हमारे स्ट्रक्चर के साथ जुड़ रहे परमेश्वर, हमारी हर एक्टिविटी में जुड़ रहे, हमारे सेल में, हमारे चर्चिस में वो बने रहेंगे यीशु मसीह के नाम में, वो विश्वास में बने रहेंगे यीशु मसीह में, बने रहेंगे यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम में करते हैं, आमीन, हालेलुया। अभी भी हम प्रार्थना कर रहे हैं और प्रार्थना का हमारा तीसरा बिंदु है, पहला तिमोथियुस उसका 2:4 कहता है, जो चाहता है कि सब मनुष्य का उद्धार हो जाए और सब सत्य को भली भांति पहचाने। प्रार्थना कीजिए अपने परिवार, पड़ोसी और दोस्तों के लिए जिनका उद्धार नहीं हुआ है, कि वे उद्धार को ग्रहण कर रहे हैं और सच्चाई के ज्ञान में आ रहे हैं यीशु के नाम में। प्रार्थना कीजिए कि वे यीशु को उनके प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर रहे हैं। आइए प्रार्थना करते हैं। रिब्रोस अंग लेके तेरे बदी ग्रालों द आरीज बोंग ले ब्रिजा लिब्रा से केरम हंग लेदा लब्रुजा अलेग्रो 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 लो दों दरे के दिन दलामरा लामांग लो सही दरा ले मामा माकी दो लो सारीगा सारीगा सारीग उन दरा लामांग लो दरे के दिन लेके तेरे बदांग लो दरे के दिन दरा माले ले ले रे गदा लादो लाहीर मंत्र लो दरे के दिन दरे के तेरे बदांग लो दरे के दिन दरे के तेरे बदांग लाद लो सही दरा ले मे गे ले मे ग्रा लादो रा लाजीर ले गे शांग लो सहा ली गा सी को लो मांगर्दीर ले गे जा आलोजा आलोजा रांग ले रे ले ग्रोस अंदरे ली गा सारी गोस इंदरा ले मामा मामा गीरो लो गोजा अले गदा राजा राही मले मले गदा लो दरा ले गेर दरी गदा लो दर के जीत ले गदर बदांग लो दर के जीत ले गदर मांग लो दर के जीत दरा ले बाबा खासे माले ग्रे ले ग्रा ले ग्रे ले गदा लो सहा दरा ले ग्रे ले गोश आंद ले गदर बदांग लो सहा ली बारा ला मांग ले दरी मांग लो दर के जीत ले गदर मांग लो दर के जीत दरा ले बाबा उश आंद ले गदा मारों दा मालों ज अली ग्रे ले बोश आंद ले गदर बदी लो दर के जीत दरा हा ली ग्रा दो लो दर के जीत ले मांग लो दर के जीत दरा मांग लाबा ले बोश आले ग्रा हा दरी जोन ले गदर बोसा मारेगा मालों ज अली ग्रा लो दर के जीत ले गदर मांग लो दर महा मीरोश आंद ले
धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर हमारे हर मित्रों के लिए, दोस्तों के लिए परमेश्वर, रिश्तेदारों के लिए, पड़ोसियों के लिए परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, हर व्यक्ति परमेश्वर सत्य के प्रकाश में आ रहा है परमेश्वर, सत्य के ज्ञान में आ रहा है परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, उनका उद्धार हो रहा है, यीशु मसीह उनके जीवन का प्रभु और स्वामी बन रहा है परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, हर टीनेजर, हर जवान, हर बड़ा परमेश्वर, बच्चा परमेश्वर यीशु मसीह को जान रहा है। हाँ परमेश्वर, वो जीवन जी रहा है जो परमेश्वर आपने उनके लिए लाया है। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। और इन सारी प्रार्थनाओं को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में करते हैं, आमीन। हालेलुया, पवित्र आत्मा उपस्थिति, शांति, आनंद, प्रेम और उसके उपस्थिति सब कुछ संभव। हालेलुया, पवित्र आत्मा तेरी उपस्थिति में शांति आनंद प्रेम हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी का स्वागत है हमारे विशेष रविवार की सभा में और ये समय है वास्तविकता संग्रह का। वास्तविकता संग्रह आपको तैयार करे दिन के लिए और दिन को तैयार करे आपके लिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज दिन रविवार, दिनांक 6 फरवरी 2022 और आज के हमारे संदेश का शीर्षक है आत्मा से भरे रहना। हालेलुया,
हमारा आरंभिक वचन लिया गया है इफिसियों अध्याय 5 वचन 18 से, जो कहता है, दाखरस से मतवाले न बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। हालेलुया। जब मैंने सेवकाई में बस शुरुआत ही की थी, तो जब कभी कोई प्रोग्राम या सभा होने वाली थी, तो मैं हमेशा से जानता था कि आत्मा से भरे होने के द्वारा मुझे तैयार होना पड़ेगा। मैंने आत्मा से भरने का अभ्यास किया। जब मैं इस तरह से भर गया, तब हमेशा दैवीयता का प्रत्यक्षीकरण होता था। लेकिन बाद में मैंने सोचा, यदि हर बार आत्मा से भरना इतना अद्भुत हो सकता है, तो आत्मा से भरे रहने के विषय में क्या। हालेलुया। उन सभाओं के दौरान जो सामर्थ्य और महिमा उपलब्ध थी और प्रत्यक्ष हो रही थी, मैं चाहता था कि यह मेरे दैनिक जीवन में हमेशा रहे। हालेलुया। और मैंने पाया कि आत्मा से हमेशा भरा होना असल में हो सकता है, और मैं इसके लिए गया और वहीं पर बना रहा। यह तैरने की तरह है, एक तरीका है जिससे शायद कोई तैरे और डूब जाए। तैरने और बहते रहने का भी एक तरीका है। मैंने पाया कि मैं आत्मा में तैर सकता था। हालेलुया। और इसमें बहते रह सकता था। मैंने पाया कि परमेश्वर हमेशा से हमारे लिए यही चाहता था, आत्मा से भरे रहना। हालेलुया। जो कि कभी कभी आत्मा से भरने से कहीं ज़्यादा सरल था। यह एक अभ्यास है। आप कभी कभी आत्मा से भरे होने का अभ्यास करते हुए हर दिन आत्मा से भरे रहने तक पहुंच सकते हैं, और फिर हमेशा आत्मा से भरा होना सीख सकते हैं। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। इफिसियों अध्याय 5 वचन 18 से लेकर 21 एएमपीसी अनुवाद का अध्ययन करो और इस पर मनन करो, यह सीखने के लिए कि आत्मा से कैसे भरे और भरे रहें। यह सर्वश्रेष्ठ जीवन है। आत्मा से भरे रहकर आप बीमारी, असफलता या कमी के द्वारा नियंत्रित नहीं हो सकते। आप पाएंगे कि आपके परिणाम असीमित रूप से बढ़ रहे हैं। आपका जीवन आगे और ऊपर की ओर है, और आप केवल आशीषों में चलते हैं। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। ये समय है घोषणा का। आप अपने पवित्र हाथों को उठाकर अपनी आंखों को बंद करके मेरे पीछे ये घोषणा कर सकते हैं। बोलिए, मैं आत्मा के लिए पूरी तरह से समर्पित हूं, और हर दिन 24 घंटे उसके पूर्ण प्रभाव में हूं। मैं अपनी मसीही सेवकाई में प्रभावी हूं, और केवल आशीषों में और इसकी परिपूर्णता में चलता हूं, और मेरा जीवन रोकी ना जा सकने वाली सफलता और सर्वदा बढ़ती हुई महिमा का जीवन है। यीशु के नाम में आमीन। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आप अतिरिक्त अध्ययन में पढ़ सकते हैं प्रेरितों के काम अध्याय 4 वचन 31 और इफिसियों अध्याय 5 वचन 18 से लेकर 21 एएमपीसी अनुवाद से, और आप एक वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में पढ़ सकते हैं मत्ती अध्याय 25 वचन 31 से लेकर 46 और निर्गमन अध्याय 31। हालेलुया। और दो वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में आप पढ़ सकते हैं प्रेरितों के काम अध्याय 15 वचन 32 से लेकर 41 और भजन संहिता अध्याय 1 से लेकर 2। हालेलुया। ये समय है गवाही का। हम जोरदार ताली बजाकर स्वागत करेंगे हमारे गवाह का। प्रेज द लॉर्ड। इस बहन का नाम शीतल जयसवाल है। ये आजमगढ़ उत्तर प्रदेश की रहने वाली है, और इनकी गवाही है कि दुष्ट आत्मा से पूरे एक साल से परेशान थी। ये अपने घर पे कोई भी काम करती थी, कहीं भी काम करती थी, तो ये बेहोश हो जाया करती थी। एक दो घंटे, तीन घंटे बेहोश हो जाया करती थी। फिर उन्होंने हमारे क्राइस्ट एम्बेसी चर्च में आया, फिर इन्होंने चर्च किया, यूथ और टीनेजर मीटिंग को अटेंड किया, और संडे सर्विस को देखा, और जो हमारे लीडर ट्रेनिंग चल रही है उसको इन्होंने 4 क्लास देखा। अभी ये बता रहे हैं कि मैं 4-5 दिन हो गए, या अभी भी होश नहीं होती है, पूरी तरह से चंगी हैं, और ये बहुत खुश हैं, बहुत उत्साहित हैं। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करती हैं, और धन्यवाद करती हैं पास्टर आइज़क अग्रवाल सर का। थैंक यू सर।
देखेगा कि आपने कोई गलती कर दी या आपने कुछ इतना बड़ा काम कर दिया कि परमेश्वर का प्रेम आपके लिए खत्म हो गया। और कभी मत होने दीजिएगा कि आप अपने आप को बेकार समझें। जब आप 24 घंटे प्रेम में चल रहे हो तो आप 24 घंटे किसमें चल रहे हो? परमेश्वर की भरपूरी में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आपको उद्धार में चलना है तो आपको प्रेम करना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रेम केवल मुंह का नहीं है, प्रेम में आप एक कदम उठाते हो। जैसे परमेश्वर ने जब हमसे प्रेम किया तो उसने कुछ किया। जो सम्मान परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, जो मौका परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, वही मौका उसने मुझे और आपको दिया। हालेलुया। उसने हमें उसके पास बुला लिया। हालेलुया। उसने हमारा उसके बीच का जो संबंध टूट गया था उसको क्या कर दिया? जोड़ दिया। ग्लोबे। किसकी वजह से? प्रेम की वजह से। हालेलुया। मैं आदेश देता हूँ बीमारी को उनके शरीरों से जाने का यीशु मसीह के नाम। मैं उन अशुद्ध आत्माओं को, उन दुर्बलता की आत्माओं को, उन बीमारी फैलाने वाली आत्माओं को आदेश देता हूँ उनके शरीरों से जाने का और वापस नहीं आने का यीशु मसीह के नाम। सजदा करूं, सजदा करूं।
क्योंकि तू महान है, महान है, महान है। Praise the Lord, Hallelujah। हाँ, धन्यवाद देते हैं प्रभु आपकी भलाई के लिए, आपकी करुणा के लिए, आपके प्रेम के लिए, आपके अनुग्रह के लिए। आप शांति के परमेश्वर हैं, आप हमेशा हमें आशीष देना, हमारी भलाई करना ढूंढते हैं। सारे विश्व के आप मालिक हैं, विश्व के सारे देश आपके हैं प्रभु। आप सबसे महान हैं, आप सबसे बढ़कर हैं, एकमात्र बुद्धिमान परमेश्वर हैं, महिमा के पिता हैं, सत्यनिष्ठ परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु, हमारे हृदय आभार से भरे हमेशा कि आप हमारे अंदर रहते हैं। धन्यवाद हमें अपने रहने का स्थान बनाने के लिए, धन्यवाद हमें पवित्र स्थान बनाने के लिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए जो आपने हमें दिया है। हम कहते हैं हमारे पास सुनने वाले कान, समझने वाले हृदय और एक जीभ जो हमेशा सही बोलती है। धन्यवाद देते हैं। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, बैठ सकते हैं। हालेलुया। जो से चिल्ला सकते हैं महिमा, और मुस्कुरा सकते हैं ताकि मुझे पता लगे कि आप खुश हैं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के साथ जब आप चलते हैं तो बहुत जरूरी है कि आपको पता हो कि परमेश्वर कैसे काम करता है, क्योंकि अगर आपको नहीं पता है परमेश्वर काम कैसे करता है तो आप अपने जीवन में परमेश्वर की सामर्थ को रोक देंगे। परमेश्वर अरबों साल से है, उसका एक काम करने का तरीका है, वो बदलने वाला नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। बुद्धिमानी इसमें है कि हम परमेश्वर के काम करने के तरीके को समझ लें, नहीं तो जिंदगी भर आपके पास सवाल रहेंगे, ऐसा क्यों हो गया, वैसा क्यों हो गया, ऐसा कब होगा, वैसा कब होगा। और उन सब के पीछे एक ही चीज होगी कि आपने शायद कभी परमेश्वर के काम करने के तरीके को नहीं जानना चाहा। आप चाहते थे कि परमेश्वर आपके हिसाब से चले, ना कि आप परमेश्वर के हिसाब से चले। और सच्चाई ये है कि हम यहां पर परमेश्वर के लिए हैं, ना कि परमेश्वर हमारे लिए। Praise the Lord। जितनी जल्दी ये चीज आप समझ लेंगे उतनी जल्दी आप धर्म की मानसिकता से निकल आएंगे, क्योंकि धर्म यही सिखाता है प्रभु हमारे लिए है। प्रभु हमारे लिए नहीं है, हम प्रभु के लिए। प्रभु ने हमें बनाया उसके लिए, ना कि हमने प्रभु को बनाया हमारे। जो आप बनाते हो वो आपके लिए है, जिसने आपको बनाया है वो आपके लिए नहीं है। Praise the Lord। अगर आपने रोटी बनाई तो आप रोटी के लिए हो या रोटी आपके लिए? पूछ रहा हूं फिर से, अगर आपने रोटी बनाई तो रोटी आपके लिए या आप रोटी के लिए हो? रोटी आपके लिए हमारा है? मैं पूछ रहा हूं, अगर रोटी बनाई तो कौन किसके लिए? रोटी हमारे लिए या हम रोटी के लिए? किसे हमने, हमें किसने बनाया? तो परमेश्वर के लिए हम हैं, ना कि परमेश्वर हमारे लिए। प्रेज द लॉर्ड। ये उस तरीके से है कि किसी के शरीर में दर्द था और डॉक्टर के पास जाए और डॉक्टर कहे ये लो गोली, और आप आए घर, गोली को पीसा, पेस्ट बनाया और हाथ पे लगा लिया, गोली काम करेगी? क्यों, गोली को कहां जाना था? अंदर। वो उसके काम करने का तरीका है। तो वैसे ही परमेश्वर का एक काम करने का तरीका है। और बुद्धिमानी, जैसा मैंने कहा, जितनी जल्दी हम परमेश्वर के काम करने के तरीके को सीख लेंगे उतनी ही तेजी से हम अपनी जिंदगी में आगे बढ़े। प्रेज द लॉर्ड। याद है आपको, दो हफ्ते पहले हमने बातचीत शुरू की थी मसीहत की तीन डायनामिक्स, याद है आपको? सो हमने वहां पर बातचीत शुरू की थी कि मसीहत के तीन डायनामिक्स हैं। पहला क्या है? मसीहत की यात्रा। दूसरा क्या है? मसीहत के काम।
और तीसरा क्या है? मसीहत की लड़ाई। हमने तीन चीजें आपको बताई, बोली मसीहत की यात्रा, मसीहत के काम और मसीहत की लड़ाई। परमेश्वर चाहता है कि हम लड़ाई लड़ना सीखें। यह परमेश्वर के काम करने का तरीका है, पर लोगों को इसके अपोजिट पता है। सालों से यह सिखाया गया है, प्रभु तुम्हारी लड़ाई लड़ेगा, प्रभु तुम्हारी लड़ाई लड़ेगा, प्रभु तुम्हारी लड़ाई लड़ेगा। मैंने कहा यह आपको गलत पता है, गलत पता है। परमेश्वर लड़ाई लड़ता है, पर कैसे लड़ता है? प्रभु अगर आज लड़ाई लड़ता है तो वो हमारे द्वारा लड़ता है, प्रेज़ द लॉर्ड। अगर मैं और आप नहीं लड़ेंगे तो प्रभु भी नहीं लड़ रहा है, क्योंकि प्रभु किसके अंदर रहता है? मेरे और आपके अंदर। मेरी बात समझ में आ रही? आज प्रभु चंगा कैसे करता है? थोड़ा शौर्य से हाथ निकल के आता है और किसी के ऊपर बैठ जाता है। हम और आप हैं जो किसी के ऊपर हाथ रखते हैं और वो इंसान चंगा। तो जिस तरीके से प्रभु हमारे द्वारा क्या करता है? चंगाई करता है। प्रभु भी लड़ता किसके द्वारा है? हमारे द्वारा। अंडरस्टैंड इट। मसीहत में एक लड़ाई है जो हर मसीह को लड़नी है। मत सोची कि आप बैठे रहोगे हाथ पे हाथ रख के और चीजें बदल जाएंगी। नहीं बदलेंगी, चीजें ऐसे नहीं बदलती हैं। चीजों को बदलने के लिए लड़ना पड़ता। कभी अपने आप को देखिए, आप अपने अंदर जो बदलाव लाते थे उन्हीं को लाने में कितना टाइम लग गया। कितने हैं जो रोज रात को सोते हैं, सुबह 6 बजे उठूंगा, 9 बजे ही उठते हैं। ये अपनी ही लड़ाई लड़ रहे। तो आप कहो प्रभु आपको उठाएगा, मैं कहूंगा भला हो आपका, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कोई प्रभु उठाने आने वाला नहीं है, आप हो जिसको बस्तर से उठना पड़े। सो देयर इज अ फाइट, देयर इज अ फाइट इन क्रिश्चियनिटी। मसीहत में एक लड़ाई है, पड़ोसी की मसीहत में एक लड़ाई है जो प्रभु को नहीं हमें लड़नी है। फिर से बोलिए ये, क्योंकि मुझे पता है सालों से डाला गया है, तो मैं अगर 50 बार भी बुलवाऊं तो पता नहीं कितना निकलेगा, है ना। ये जो है बहुत सालों से घुसा हुआ है दिमाग में, प्रभु लड़ेगा बस बैठो, प्रभु लड़ेगा बस बैठो, प्रभु लड़ेगा बस बैठो। पर सवाल है प्रभु कैसे लड़ेगा? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हा सकते हैं, हा। तो बोली मसीहत की लड़ाई, और हर एक को लड़नी। बोली हर एक को लड़नी, क्योंकि हम एक लड़ाई में हैं। हमने पिछली बार देखा था कि परमेश्वर के राज में बलवा होता है और शक्तिशाली क्या करते हैं? उसको छीन लेते हैं। आपको वही मिलेगा जो आप छीन पाओ। जो आप छीन नहीं पाओगे वो आपके पास होगा भी नहीं। जो आपका है कोई आपको देने वाला नहीं है प्लेट में लाके। यू गॉट टू फाइट, क्योंकि उन चीजों पर शैतान ने आदम के द्वारा कब्जा जमाया हुआ है। अब आपके पास नया अधिकार आ गया है। यीशु मसीह ने आपसे कहा सारी दुनिया आपकी है, पर जो सालों से बैठा हुआ था वो यूं ही निकलने वाला नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। पता ना, घर में अगर किराएदार हो 60 साल से रह रहा हो और आपको भैया जी निकल जाओ, कहता इधर आओ। आप ही के घर से निकलने में वो आदमी आपको कानून लाना पड़ता है, पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है, तब जाके निकल। तो शैतान भी उतना ही बेशरम है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको लगता है जो वो आपका है बस आप कहोगे आ गए लो, ऐसा नहीं होने वाला। You got to fight. हमने देखा वाचा की भूमि में भी उनको क्या करना पड़ा? लड़ाई। परमेश्वर ने कहा था मैं तुम्हें वाचा की भूमि दूंगा, वो देश जो किससे बहता है? शहद और मधु से भरा हुआ है, दही और दूध की वहां पर नदियां बहती हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। पर आपको पता है, क्या आपने कभी बाइबिल उठा के पढ़ी कि यहोशू को प्रोमिस लैंड में कितनी लड़ाइयां लड़नी पड़ी? क्या पढ़ेगा अपनी बाइबिल? यहोशू को प्रोमिस लैंड में 13 लड़ाइयां लड़नी पड़ी। वाचा की भूमि में जाके 13 लड़ाइयां, वो चीज जो परमेश्वर ने उन्हें दे दी थी उसी को अपना बनाने के लिए यहोशू को 13 लड़ाइयां जाके पड़ेगा। यहोशू की 13 लड़ाइयां, जोशुआ फॉर 13 battles इन द प्रोमिस लैंड। वो भूमि जो परमेश्वर ने उनको दी थी, कनान की भूमि, कनान का प्रदेश, ही हैड टू फाइट। अगर वो नहीं लड़ता तो कुछ नहीं होने वाला। चलिए पढ़ते यहोशू पहला अध्याय,
पहले अध्याय से पहला वचन, यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक यहोशू जो नून का पुत्र था कहा, मेरा दास मूसा मर गया, इसलिए अब तू उठ कमर बांध, हो पड़ोसी कमर बांध और जाके सो जा, कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यर्दन पार होकर उस देश को जा जिसे मैं उनको अर्थात इसराइलियों को देता हूं। तो ये वो चीज थी जो परमेश्वर ने उन्हें दे दी थी। तो परमेश्वर आपको कोई चीज देता है वो काफी नहीं है, जो उसने आपको दिया है उसको भी अपना बनाने के लिए आपको लड़ना पड़ेगा। केवल परमेश्वर ने दे दिया है ये काफी नहीं है। लिखा मेरा दास मूसा मर गया, इसलिए अब तू उठ कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यर्दन पार होकर उस देश को जा जिसे मैं उनको अर्थात इसराइलियों को देता हूं। दे चुका था परमेश्वर, परमेश्वर ये देश उनको दे चुका था। नेक्स्ट, उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा अर्थात जिस जिस स्थान पर तुम पांव धरोगे वो सब मैं तुम्हें देता हूं। डील, कोई शक की गुंजाइश नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, उसने कहा मैं तुम्हें ये देता हूं। नेक्स्ट, जंगल उस लबनान से लेकर परात महानद तक और सूर्यास्त की ओर महासमुद्र तक हित्तियों का सारा देश तुम्हारा भाग ठहरेगा। वाह, नेक्स्ट, तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। जैसा मैं मूसा के संग रहा वैसा ही तेरे संग भी रहूंगा, मैं ना तो तुझे धोखा दूंगा ना तुझे छोड़ूंगा। नेक्स्ट, इसलिए हियाब बांधकर दृढ़ हो जा। प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि जिस देश की देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से सिखाई थी उसका अधिकारी तू इन्हें करेगा। ये चीज थी जो परमेश्वर उन्हें पूरी तरह से दे चुका था। सोची कितना बड़ी चीज, मैंने तुम्हें दे दिया, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम्हें धोखा नहीं, इतनी सारी चीजें परमेश्वर ने कही। सातवां वचन, इतना हो कि तू हियाब बांधकर बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था के द्वारा मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने की चौकसी करना। ओनली बी दाउ स्ट्रॉन्ग एंड वेरी करेजियस, तू क्या होना, बहुत मजबूत हो जाना। क्या हो जाना, बी स्ट्रॉन्ग एंड दाउ वेरी करेजियस, उसने कहा साहसी हो जा। क्या हो जा, क्यों साहसी हो जा, लड़ने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, क्यों साहसी हो जा, लड़ने। और थैंक गॉड हम लोग भी लड़ाई लड़के आए, दो साल से नहीं लड़के आए। पास्टर क्रिस ने पहले दिन कहा था 2019 में ये वैक्सीनेशन सफल नहीं होगा, आज वो वैक्सीनेशन क्या हो गया, सफल। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, नहीं हुआ है। अब ट्रेन में आपको वैक्सीनेशन दिखाने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट अगर आपसे कोई कहे तुमने वैक्सीन ली है आप उस पर केस कर सकते हो। अगर कोई आपसे कहे मास्क पहनो आप उसको कोर्ट में ले जा सकते हो। पासा पूरा पलट गया है। और कौन इस पासे को बोल रहा था, हम ही थे जो चिल्ला रहे थे। पूरी दुनिया में पासा क्रिस की अकेली आवाज थी जो चिल्ला रही थी। और लोग रहता है चर्च वाले पागल हो गए, चर्च वालों का दिमाग फिर गया है, ये क्राइस्ट एम्बेसी वाले को दिमाग में पता नहीं क्या घुस गया। हाँ, हमारे दिमाग में ये घुसा हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड, हमें लड़ना आता है। क्या आता है, हमें लड़ना आता है, हमें लड़ना सिखाया गया है। प्रेज़ द लॉर्ड, और हमने क्या करी, अपनी लड़ाई लड़ी। आज जो आप देखते हो ना देश में, वो सब हमारी प्रार्थना है, क्योंकि हम ही थे जो उसके विरोध में थे। और कौन था इसके विरोध, क्रिश्चियन भी। हाँ, क्रिश्चियन तो वचन भेजते थे रोज। हाँ, बाइबल कहती है मूसा के दिनों में भी उन्होंने कहा था घर के अंदर बैठो तो घर के अंदर बैठो। ये क्रिश्चियन थे इस देश के जो मास्क लगाए घूम रहे थे। पास्टर भी कह रहे थे वैक्सीन ले लो, वैक्सीन ले लो, और अगर वैक्सीन ले लो तो नकली सर्टिफिकेट बनवा लो। ये पास्टर थे इस देश के, अज्ञानता में भरे हुए, और हमारे खिलाफ कंप्लेन करते थे, पर हम खड़े हुए थे। प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि हमें पता है लड़ना पड़ता है। हालेलुया, जो परमेश्वर ने कहा है उसके बाद हमारा एक रोल है। परमेश्वर ऐसे ही काम करते, पर लोगों को ये नहीं सिखाएगा। लोग बस परमेश्वर ने कहा है तुम बैठ जाओ, अरे परमेश्वर ने कहा है बैठ जाओ। सोच के देखिए, अभी किसका एग्जाम्पल लेता हूं मैं, अच्छा आदित्य, अच्छा स्मार्ट लड़का इधर आया। अभी आदित्य यहाँ है मेरे साथ, है ना, अभी आदित्य है, और इसको कोई कहे सामने वाली बिल्डिंग मैंने तुम्हें दे दी, और सामने वाली बिल्डिंग, तो आदित्य क्या करेगा, बैठ जाएगा, जाएगा बिल्डिंग लेने जाएगा। तो परमेश्वर ने कहा सब कुछ तुम्हारा है, अब आप बैठ नहीं सकते, आपको क्या करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, आपको लड़ना पड़ेगा। थैंक यू। So, मत सोचिए आप लड़ोगे नहीं और सब कुछ बदल जाएगा, ऐसा होने वाला नहीं। यू गॉट टू फाइट। प्रेज़ द लॉर्ड। नेक्स्ट,
व्यवस्था की पुस्तक तेरे मुंह से कभी ना उतरने पाए, तू उसी में ध्यान दिए रहना, इसलिए जो कुछ उसमें लिखा उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने तेरे सारे काम सफल होंगे, तू प्रभावशाली होगा। नौवां, फिर से, हैव नॉट आई कमांडेड दैट, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, हियाब बांधकर दृढ़ हो जा। प्रेज द लॉर्ड, उसे क्या कहा, क्या हो जा, मजबूत हो जा। क्यों? उसे पता था यहोशू कितनी लड़ाई लड़ने वाला है, 13 लड़ाई। उस देश को पाने के लिए इनको लड़ाई लड़नी पड़ी, जिसको परमेश्वर की हमने वाचाएं देखी, छह वचन पढ़े, परमेश्वर का सब तुम्हारा, ये तुम्हारा, ये तुम्हारा, ये तुम्हारा, इसलिए तुम्हारा, इसलिए तुम्हारा। उनको पाने के लिए इनको 13 लड़ाइयां लड़नी, ये परमेश्वर के काम करने का तरीका है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आपको अपनी समृद्धि की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। समृद्धि की लड़ाई क्या है? जब आपके पास पैसा आता है और आपके पास खर्चा ज्यादा है और आप कहते हो मैं दशमांश नहीं दूंगा, ये लड़ाई है जो आपको लड़नी है कि मैं दशमांश दे के रहूंगा, नहीं तो जो पैसा आपका है वो आपके पास नहीं आएगा। आपको लड़ाई लड़नी पड़ेगी, प्रथम फल देना है तो देना है, नहीं तो जो आपका है वो आप तक नहीं आएगा। ये एक लड़ाई है खर्चों के साथ। प्रेज द लॉर्ड, वो घर के खर्चों के साथ क्या है, लड़ाई। इसे हम कहते हैं विश्वास की अच्छी कुश्ती। आपको वचन पर भरोसा करना पड़ेगा। बाइबल कहती है कि शेर भूखे सो सकते हैं पर जो परमेश्वर विश्वास करते हैं वो भूखे नहीं सो सकते। आपको क्या करनी पड़ेगी, लड़ाई, कि ये वचन काम करता है। प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर को समझाने की कोशिश मत कीजिए, परमेश्वर समझ लेगा। हम नहीं दे पा रहे हैं, परमेश्वर नहीं समझेगा, उसके वो बदलने वाला नहीं है, वो अरबों सालों से वैसा ही है। क्या है आपकी उम्र, पता नहीं 30, 40, 50 से ज्यादा कुछ भी नहीं, 30, 40, 50 साल का इंसान को मत कहिए वो आदमी बदल जाए जो अरबों सालों से। बाइबल हमने कहते नहीं तू हमेशा क्या है, एक जैसा। परमेश्वर बदलने वाला नहीं है, उसके नियम बदलने वाले नहीं है। हमें क्या करना है, बदलना है और उसके तरीकों को सीखना। यू गॉट टू फाइट, you got to fight. Praise the Lord. चलिए नेहमिया चौथा अध्याय 14वें वचन से, नेहमिया चौथा अध्याय 14वां वचन अपनी बाइबल में भी खोल लीजिए, मेरी वाली है, अपनी लाए हैं, that's nice. नेहमिया चौथा अध्याय। Praise the Lord. आपको कहानी पता है कि वहां पर परमेश्वर ने क्या किया, उनको बोला, नेहमिया को बोला कि जाके क्या कर, यरूशलेम की टूटी हुई दीवारों को बना। और नेहमिया ने राजा से परमिशन भी ले ली। सोचिए, राजा से परमिशन ली थी, किसे ली थी? आप उसके पास लिखा हुआ लेटर था राजा से, पढ़ेगा पूरी कहानी जाके, नेहमिया की पुस्तक। नेहमिया के पास क्या था, लेटर था किसकी ओर से, राजा से, कि तुम जाओ और क्या करो, दीवारें बनाओ। समय के राजा ने लेटर लिख के दिया था, सुन रहे आप, कि ऐसा नहीं होना चाहिए। पर क्या हुआ, अगर आप पूरी कहानी पढ़ेंगे, आसपास के लोगों ने राजा की आज्ञा नहीं मानी, आसपास के लोगों ने राजा की आज्ञा नहीं मानी और इनको परेशान किया, इनको काम नहीं करने दिया, जबकि राजा की ओर से क्या थी, आज्ञा। सुन रहे हैं आप, तो केवल सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि ओ वैक्सीनेशन कोई नहीं मांग सकता, मास्क कोई नहीं मांग सकता, मत सोचिए लोग मांगने वाले नहीं है। आपको फिर भी क्या लड़नी पड़ेगी, लड़ाई। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सुन रहे हैं आप, आपको क्या लड़नी पड़ेगी, लड़ाई। ऑर्डर काफी नहीं है, सुन रहे हैं आप, ऑर्डर काफी नहीं, यू गॉट टू फाइट, यू गॉट टू फाइट। तब मैं देखकर उठा और रईसों और हाकिमों और अन्य सब लोगों से कहा, उनसे मत डरो। किन से मत डरो, जो राजा की आज्ञा के बावजूद भी इनको इनका काम करने देना नहीं चाहते थे। प्रभु जो महान और भय योग्य है उसी को स्मरण करके घर जाके सो जाओ, प्रभु तुम्हारे लिए युद्ध करेगा। यही लिखा है, वहां लिखा है, उनसे मत डरो, प्रभु जो महान और भय योग्य है उसी को याद करके चद्दर तान के सो जाओ। लिखा है, क्या लिखा है, उसको याद करके अपने भाइयों, बेटों, बेटियों, स्त्रियों, घरों के लिए क्या करना, युद्ध करना। प्रेज द लॉर्ड, पड़ गई, युद्ध करो, युद्ध करो। उसने क्या कहा, परमेश्वर को याद करके सो जाना या युद्ध करना, युद्ध करना। प्रेज द लॉर्ड, यू गॉट टू फाइट, यू गॉट टू फाइट, यू गॉट टू फाइट फॉर योर राइट्स। आपको लड़ना पड़ेगा, आपको अपना मुंह खोलना पड़ेगा।
क्योंकि केवल कुछ सच है इसका मतलब नहीं सब लोग सच को मान लेंगे। प्रेज द लॉर्ड। कुछ लोग हैं जो सच को मानने से मना कर देंगे और आपको झूठ मानने के लिए क्या करेंगे, विवश करेंगे। जैसे मैंने कहा आपको लड़ाई लड़नी पड़ेगी, अपनी नींद से लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आप नहीं कह सकते पास्टर जब मैं प्रार्थना करता हूं मैं सो जाता हूं। लड़ाई लड़ो, जगो और क्या करो, प्रार्थना करो। यू गॉट टू फाइट। हर आत्मा की लड़ाई लड़ो। जिन आत्माओं को आप बुलाते हो वो मना कर रही है आने से कि नहीं हम नहीं आएंगे, आप उनके लिए क्या कर रहे हो, प्रार्थना में युद्ध कर रहे हो, मध्यस्थता कर रहे हो। जब तक उस आत्मा को आप खींच के कहां ना ले आओ, चर्च में, चर्च में। प्रेज द लॉर्ड। जिनको आप चर्च में नहीं देखते हो क्या आप उनके लिए लड़ते हो? गॉट टू फाइट फॉर देम, फाइट फॉर देम। प्रेज द लॉर्ड। सुन रहे हैं? यू गॉट टू फाइट फॉर ईच सोल। हालेलुया। तो उसने क्या कहा, उनसे मत डरो। क्या कहा? प्रभु जो महान और भय योग्य है उसी को याद करके अपने भाइयों, बेटों, बेटियों, स्त्री और घरों के लिए। ये लड़ाई हम अपने लिए लड़ रहे हैं। किसकी लड़ रहे हैं? अगर हम नहीं लड़ेंगे तो हमारे बच्चों को मास्क पहना के उनके फेफड़े खराब हो जाएंगे, ये बच्चों को वैक्सीन दे देंगे, हमारे बच्चे मर जाएंगे। जिन्होंने वैक्सीन ली है उनकी हालतें वैसी खराब होनी शुरू हो गई। तो अगर हम और आप नहीं लड़ेंगे तो कोई बोलने वाला नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। So, नियम में 4:14, चलिए आगे बढ़ते हैं, बढ़ते रहते हैं। जब हमारे शत्रुओं ने सुना कि यह बात हमको मालूम हो गई है और परमेश्वर ने उनकी युक्ति निष्फल की है, तब हम सब के सब शहर पनाह के पास अपने अपने काम पर लौट आए। जब इन्हें पता लग गया कि ओ, सामने वालों को पता लग गया, ये अपने अपने काम पर लौट आए। नेक्स्ट कुछ दिखाना चाहता हूं आपको, बुद्धिमान चीजें। उस दिन से, ध्यान से सुनिए, उस दिन से मेरे आधे सेवक तो उस काम में लगे रहे और आधे बर्चियों, तलवारों, धनुषों और झिलमों को धारण किए रहते हैं और यहूदा के सारे घराने के पीछे हाकिम रहा करते थे। आधे क्या कर रहे थे? काम, आधे लड़ रहे थे। आज हम लड़ाई बर्छों से नहीं लड़ते हैं, तलवारों से नहीं लड़ते हैं, पर लड़ाई किससे लड़ते हैं? प्रार्थनाओं से और भविष्यवाणियों से। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो आप कह रहे हो मैं काम कर रहा हूं, आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे कहो, हाँ पास्टर, हाँ हाँ, आप क्या करो, आप प्रार्थना करो और हम काम करते हैं। मैंने कहा ओके, आगे बढ़ते हैं। कुछ लोग बुद्धिमान है बहुत, बोले यहाँ पास्टर लिखा है ना, आधे लोग काम कर रहे थे, आधे लोग प्रार्थना कर रहे थे। पास्टर आप प्रार्थना करो, हम काम पे जाते हैं। ओके, आगे बढ़ते। शहरपनाह के बनाने वाले और भोज के ढोने वाले दोनों भार उठाते थे। अब ध्यान से देख लीजिए, ये किनकी बात कर रहे, जो काम कर रहे थे, सही है? शहरपनाह के बनाने वाले और भोज के ढोने वाले दोनों भार उठाते थे, अर्थात एक हाथ से काम करते थे और दूसरे हाथ से हथियार पकड़े रहते थे। ये थे लड़ाकू लोग, एक हाथ से काम कर रहे थे, एक हाथ से क्या पकड़े थे, हथियार। तो आप काम पे गए हो पर वहां पर आप क्या कर रहे हो, आत्माएं जीत रहे हो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आप काम पे गए हो वहां पर आप क्या कर रहे हो, प्रार्थना है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। काम पर जाना काफी नहीं है, वो बहाना काफी नहीं है, यू स्टिल हैव टू फाइट। आपके पास हथियार होना है और आज हमारा हथियार क्या है, प्रार्थनाएं, आत्माएं जीतना, भविष्य दौड़ियां। आपके दिमाग में क्या चल रहा है, मैं ज्यादा काम करूंगा, चर्च में ज्यादा दे पाऊंगा, क्योंकि क्या चल रही है, एक लड़ाई, उस लड़ाई में क्या चाहिए, पैसा। ये चीजें जो आपके दिमाग को भरती। शहरपनाह के बनाने वाले और भोज के ढोने वाले दोनों भार उठाते थे, अर्थात एक हाथ से काम करते थे और दूसरे हाथ से क्या पकड़े रहते थे, हथियार पकड़े रहते। नेक्स्ट, राजमिस्त्री अपनी अपनी, बॉय देखिए, राजमिस्त्री अपनी अपनी जांग पर तलवार लटकाए हुए बनाते थे। वो सीमेंट लगा रहा है पर यहां क्या लटकी हुई है, तलवार। तो आप काम कर रहे हो, आपके मुंह में क्या है, भविष्यवाणी। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सुन रहे हो? आप टाइपिंग कर रहे हो पर आप प्रार्थना कर रहे हो। बाजू में क्या बैठा है, सुरेंद्र बैठा है। ये सुरेंद्र की जीवन बदल रहा है यीशु के नाम। आपकी, आप क्या कर रहे हो, लड़ाई। उस आत्मा को आप नर्क ले जाने नहीं दोगे, शैतान को। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आपके दिमाग में क्या आ रहे हैं, अपने रिश्तेदार। प्रेज द लॉर्ड। आपके पड़ोसी, आपके दोस्त, उनके लिए आप क्या कर रहे हो, लड़ाई। उनकी, उनको खींच के ला रहे हो कहां से, अंधकार के रास्ते खींच कर कहां ला रहे हो, परमेश्वर के राज में। आप क्या कर रहे हो, लड़ाई। आगे, इसलिए मैंने रईसों, हाकिमों और सब लोगों से कहा, काम तो बड़ा और फैला हुआ है, हम लोग शहर बना पर अलग अलग दूसरे से दूर रहते हैं, क्योंकि दीवार अलग अलग जगह से टूटी हुई थी। कुछ लोग यहां पर काम करते, कुछ लोग वहां पर काम करते, कुछ लोग वहां पर काम करते, समझ रहे हैं? 20,
इसलिए जिधर से नरसिम्हा तुम्हें सुनाई दे उधर ही हमारे पास इकट्ठे हो जाना, हमारा परमेश्वर हमारी ओर से लड़ेगा। सोच के देखिए वो क्या कह रहा, हमारा परमेश्वर हमारी ओर से लड़ेगा। पर इनको पता था इनको भी लड़ना पड़ेगा, तब परमेश्वर क्या करेगा, इनकी ओर से लड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उस यहां पे आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो सब लोग क्या थे समझ, जैसे ये दीवार है, एक दीवार वहां से टूटी हुई, एक दीवार यहां से कुछ लोग यहां काम कर रहे हैं, कुछ लोग यहां काम कर रहे हैं, कुछ लोग वहां काम कर रहे हैं, पर उन्होंने कहा नहीं, सब अपना अपना काम तो कर रहे हो, पर जब नरसिंह फूका जाएगा, जहां पे फूका जाए अपना अपना काम छोड़ के कहां जाना, उस लड़ाई के लिए आ जाना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो जब हम कहते हैं सुबह प्रार्थना करनी है, आप कहते हो ये करनी है क्योंकि नरसिंह फूका गया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अगर हमने कहा दोपहर प्रार्थना करनी है तो आप कहते हो हाँ करनी है। अगर हमने कहा रात को 12 बजे प्रार्थना करनी है तो आप कहते हो हाँ करनी है। आप अपना काम छोड़ते हो और हमारे साथ क्या करते हो, लड़ाई में जुड़ जाते हो, क्योंकि वहां पर हम बड़ी लड़ाइयां लड़ रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सुन रहे हैं आपने, कैसे पास मैंने दिन में प्रार्थना की थी, अब भी करनी जरूरी है। हाँ, जहां नरसिंह फूका जाए वहां पहुंच जाइए। जब हम कहें प्रेयर रैली है, आप पहुंच जाइए। जब हम कहें सेल रैली है, आप क्या करते हो, पहुंच जाते हो। अपना काम छोड़ के आप किसके साथ जुड़ जाते हो, उसके साथ जो लीडर है, जो आपको बता रहा है कहां पर समय लड़ाई है और लड़ाई लड़नी कैसे है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। नेक्स्ट, जो हम काम में लगे रहे उनमें आधे पौ फटने से तारों के निकलने तक बर्ची लेते। आप समझ रहे, 24 घंटे लड़ाई थी, कोई नहीं सो रहा था, आधे सो रहे थे आधे जाग रहे थे। पर क्योंकि थोड़ा आप सो जाओगे, शत्रु कहेगा हाँ भाई हम अच्छे लोग हैं, तुम लोग सो लो हम भी सो लेते सुबह लड़ेंगे, ऐसा तो नहीं होने वाला है। शैतान कहेगा हाँ तो कोई बात नहीं, तुम लोग थक गए अब सो जाओ, अब मैं आत्माओं को नरक में लेके नहीं जाऊंगा, 4 घंटे शांति, ऐसा नहीं होने वाला। इनफैक्ट रात में ही शैतान लोगों के दिमागों में ज्यादा जहर भरने की कोशिश करता है, क्योंकि शैतान को पता है जब लोग सोए होते हैं उनकी आत्माओं से संपर्क बनाना आसान होता है। इसी लोगों को सपने का बातें हैं, रात में दिन में क्यों नहीं आते, क्योंकि आपके दिमाग में दिन में बहुत सारी चीजें भरी होती, पर जब आप सो रहे हो तो शैतान को भी पता है अच्छा समय। तो हमें भी पता होना चाहिए रात का समय प्रार्थना का क्या है, अच्छा समय है लोगों को यीशु मसीह के विषय में बताने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आपने कहा सर रात में नहीं हो पाता, वहां सर रात में नहीं हो, मतलब इससे अच्छा तो मुंबई की वो BMC अच्छी है, BMC भी 4:30 बजे पानी देती है, सब लेके हैं, तो कोई BMC को बता नहीं जाता रात में सोने दो, रात में पानी क्यों दे रहे हो। चर्च में 2 बजे प्रार्थना, बोलो पास्टर 2 बजे क्यों, BMC का पानी नहीं आता कहीं पे 2 बजे, और लोग भरते नहीं है, पूछ रहा हूं, हंस रहे हैं आप, क्योंकि आपको पता है मैं क्या कह रहा हूं, क्योंकि आपको लगता है पानी ज्यादा जरूरी है, ये प्रार्थना जरूरी नहीं, उस समय आपको अपनी नींद ज्यादा जरूरी लग रही है। दिन भर हम काम करते हैं, अब रात में क्या करें, लड़ो, बोले हैं हाँ लड़ो। आप बहाना नहीं बना सकते, आप घर में जाके छुप नहीं सकते। प्रेज़ द लॉर्ड, जो लड़ेगा वो जीतेगा, पढ़ो, जो लड़ेगा वो जीतेगा, जो लड़ेगा वो जीतेगा, जो नहीं लड़ेगा वो जीतेगा भी नहीं। हालेलुया, हालेलुया। जो हम काम में लगे रहे उनमें आधे पौ फटने से तारों के निकलने तक बर्ची ली रहते थे। नेक्स्ट, फिर उसी समय मैंने लोगों से यह भी कहा, एक एक मनुष्य अपने दास समेत यरूशलम के भीतर रात बिताया करे, कि वे रात को तो हमारी रखवाली करें और दिन को काम में लगे रहें। बोले पास्टर सोते कब होंगे, मैंने उनसे जाके पूछो, मैं तो पढ़ के बता रहा हूं, लिखा है यहां पे। अच्छा एक बार दिन, सब लोग ढंग से देख रहे हैं, दिख रहा है, चल नीचे की 2 लाइन पढ़ेंगे, 1, 2, 3। हाँ, आप सोते कब थे, आप जब स्वर्ग में मिलना तो पूछना उनसे, यहां लिखा है, फिर से पढ़ते हैं, 1, 2, 3। हाँ, लड़ाइयां ऐसे ही लड़ी जाती है। प्रेज़ द लॉर्ड, लड़ाइयों में बैठा नहीं जाता है, सही है, लड़ाइयों में सोया नहीं जाता है, शादी में जाके डिस्को नहीं किया जाता है, लड़ाइयों में क्या कर जाता है, लड़ाई लड़ी जाती है। लिखा है वे रात को, तो सोच के देखिए क्या लिखा है वहां पे। बोले हाँ, ये तो लिखा ही नहीं था, पास्टर ही मुझे ज्यादा वो लगते थे मुझे, मैंने आपसे हमेशा कहा मैं बहुत अच्छा पास्टर हूँ, आपको 4 घंटे सोने देता हूँ काफी है, बाइबल में देखिए सोने भी नहीं मिला। वे रात को तो हमारी रखवाली करें और दिन को क्या करें, काम। ये वो चीजें जो चर्चों में ना तो सिखाई जाती ना क्रिश्चियन सीखना चाहते, क्योंकि ये पोर्शन उन्हें पता ही नहीं है।
उन्हें कौन सी बाइबिल पता है? प्रभु लड़ाई लड़ेगा। मैंने कि ये प्रभु लड़ रहा था, ये लोग लड़ रहे थे, ये लड़ाई कौन लड़ रहा है? पड़ोसी को ये लड़ाई पूछो, पड़ोसी पूछो ये लड़ाई कौन लड़ रहा है। जवाब मिला क्या? प्रभु या ये लोग? देर रात को तो हमारे कुछ लोगों को सोने से ही फुर्सत नहीं है, पास्टर प्रेशर बहुत होता है, इतना प्रेशर मत दो। मैंने कि इतना प्रेशर मत दो तो किस पे प्रेशर दे? नहीं, आराम से जो हो पाएगा वो हम करेंगे। क्यों आराम करोगे आप? क्यों आपके दिमाग में आराम घुसा हुआ? ये आराम कर करके हम लोग यहां तक पहुंच गए, मेहनत कर करके इन चुनौतियों से निकल के आए हैं, फिर आराम में वापस चले जाएंगे? इस बार फंसेंगे तो निकलेंगे नहीं। कि बाइबल कहती है जब शैतानों को निकाल दो वो आता है ढूंढने के लिए कि वो जगह खाली है या नहीं, और क्या करता है? इस बार 7 गुनी, इस बार वो लोग जो तैयारी कर रहे हैं वो इससे बड़ी है। अभी तक आपने झूठ नहीं देखा है, इससे बड़े झूठ वो प्लान कर रहे हैं। अगर आपको लगता था लड़ाई खत्म हो गई, शुरुआत है केवल ही। उनको अपनी गलतियां समझ में आ गई कि हमने क्या क्या गलतियां की। आपको लगता है कि नहीं, अब बस 2 साल हमने नौकरी नहीं करी, लॉकडाउन था, अब 2 साल दबा के नौकरी करेंगे। नहीं, इस बेवकूफी में मत फंस जाइए। अब तो बस सब खुल गया है तो नैनीताल घूम के आएंगे, भीमताल घूम के आएंगे, चचा की शादी रह गई थी, भैंसिया का बचिया रह गया था, सबका करके आएंगे सब। अब भैया लोग अब गांव जाने लगे, सब पूछो कहाँ गए? गांव। जब लॉकडाउन था तब यहाँ नहीं थे। कब प्रार्थना करना सीखोगे? 2-2 घंटे, 3-3 घंटे अन्य भाषाओं में। कब आपके लिए आत्माएं जीतना जरूरी होगा? कब तक आपको लगेगा मैं, मेरी जिंदगी, मेरी बच्चे, मेरी बीबी? कब तक? कब आंखें खुलेंगी? जब जो है वो भी लुट जाएगा तब तो मत बन जाएगा वो मसीह जो बस अपनी आशीषें ढूंढ रहे हैं। वो बेवकूफ मसीह हैं, बच्चे मसीह हैं, जिनको लड़ना नहीं सिखाया गया है। सो वी गॉट टू फाइट। 23वां वचन, व्हेनेवर आई रीड दिस आई गो हेलवायर। इस प्रकार ना तो मैं अपने कपड़े उतारता था, ना मेरे भाई, ना मेरे सेवक, और ना वे पहरू जो मेरे अनुचर थे अपने कपड़े उतारते थे। सब कोई पानी के पास भी हथियार लिए हुए, ये लोग कपड़े भी नहीं बदलते थे, नहाते भी नहीं थे, क्योंकि उन्हें पता था नहाते समय क्या हो जाएगा, शत्रु आके कहीं प्रहार ना कर दे। कुछ लोग तो नहाते ही 2 घंटे हैं, टंडे टंडे पानी से नहाना चाहिए, गाना आए ना आए गाना आए। क्या कर रहे हो आप? कब तक आपका ऐशो आराम आपके लिए जरूरी बना रहे? इस प्रकार ना तो मैं अपने कपड़े उतारता था, ना मेरे भाई, ना मेरे सेवक, ना वे पहरू जो मेरे अनुचर थे अपने कपड़े उतारते, सब कोई पानी के पास भी हथियार लिए हुए जाते थे। प्रेज़ द लॉर्ड। ये क्या थे? लड़ाकू मसीह। बोली लड़ाकू मसीह, लड़ाकू मसीह। सुन रहे हैं? अब्राहम के पास सेना थी, अगर आपको नहीं पता हो। चलिए पढ़ लेते हैं जेनेसिस 14:14। यह सुनकर कि उसका भतीजा बंदी बना लिया गया है, अब्राहम ने अपने 318 शिक्षित युद्ध कौशल में निपट दासों को लेकर जो उसके कुटुंब में उत्पन्न हुए थे अस्त्र शस्त्र धारण करके दान तक उनका पीछा किया। अब्राहम के पास भी क्या थी? सेना। हम यहां सेना कौन सी बना रहे हैं? जो क्या कर सकती है? प्रार्थना। जो क्या कर सकती है? भविष्यवाणी। वो सेना नहीं कि वहां से लड़की पसंद आ गई, वहां से लड़का पसंद आ गया, ये सेना नहीं है। सेना में क्या लगता है? त्याग। सेना में लगता है समर्पण। ये वो समय जब मसीहों को त्याग करना है, समर्पण करना है, परेशानी उठानी है। ये वो समय नहीं कि हम घूमें अपनी इच्छा से जिए। प्रेज़ द लॉर्ड। इब्रानी 4:12, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है, और प्राण और आत्मा और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके आर पार छेदता है, और मन की भावनाओं विचारों को जांचता है। अपने मन की भावनाओं विचारों को जांचिए वचन के द्वारा, क्योंकि अगर आप वास्तव में परमेश्वर की सेवा करना चाहते हो, परमेश्वर आपके लिए रास्ते बनाए। अगर आपको मौका नहीं मिल रहा है सेवा करने का, तो इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि शायद आप करना नहीं चाहते। यहाँ पे हम बिना मास्क के, बिना वैक्सीन के 2 साल से चर्च चला रहे हैं। मैं गया पुलिस स्टेशन में, पकड़ के ले गई पुलिस। परमेश्वर बचा रहा है, क्यों? मैं परमेश्वर का काम कर रहा हूँ, कुछ नहीं कह सकता कोई मुझे, किसी की हिम्मत नहीं, कोई मुझसे लड़ने नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मैं वो कर रहा हूँ जो परमेश्वर ने मुझसे करने को कहा। मैं अपनी लड़ाई लड़ रहा हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। पर सवाल है, क्या आप अपनी लड़ाई लड़ रहे? क्या आप अपने रिश्तेदारों के लिए, दोस्तों के लिए, पड़ोसियों के लिए लड़ाई लड़ रहे?
ऐसा तो नहीं आपने उन पर हार मान ली, अब वो नहीं मानेंगे यीशु मसीह को, अब तो और मानेंगे, अब तो सच्चाई हमारे पास है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब तो इन चीजों का आपके विश्वास को क्या करना चाहिए, बढ़ा देना चाहिए। अगर आपको अपने खर्चे कम करने पड़े पर चर्च में देने के लिए तो कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। हा 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 हा, सुन रहे हैं आप? बच्चों को सुधारने की लड़ाई, उन्हें सही दिशा देने की लड़ाई। बच्चों ने जरा सा बोला हमारे पास भी फोन होना चाहिए, और माँ भी अपना जोड़ जोड़ के बच्चे को फोन दिला दिया। क्या करेगा अब इस फोन से? आपको पता है इस फोन से क्या करने वाला है? वो सब उल्टे सीधे काम करेगा इस फोन से। और आपने भी फोन दिला दिया, बुद्धि कहां थी आपकी? आपको लगा वो हम अच्छे माँ बाप हैं, हम अच्छे माँ बाप हैं। तो जब आपसे कहें लड़ो तो लड़ो, क्योंकि शायद पूरी कहानी आपको नहीं पता है, सही है? पर जो आपको दिखाई दे रहा वो तो करो। आत्माएं जीतो, पड़ोस को आत्माएं जीतो, आत्माएं जीतो। प्रार्थना करो, भविष्यवाणी करो, लड़ो। उठाइए अपने हाथ की जान भाषा में प्रार्थना। ले साथे ले एन थाली दा लांत्रा का साथे ले एन थाली का तीरा मांता ली ता तेरे के दिंगरा का ब्रगान से तेरे इंत्रा ली ता तोरे बदी मांकरा का थारे ब्रगोसा ली शतीला बदी यंदले ता तोरा का दिंगरे के ब्रगोसा ली शतीला बदी आंत्रा 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 ला ई ता लीवा। प्रार्थना कीजिए अपने दोस्तों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, सेल मेंबर के लिए, पड़ोसियों के लिए। प्रार्थना कीजिए उनके लिए, प्रार्थना कीजिए कि शैतान हमको चर्च में आने से नहीं रोक पाएगा यीशु के नाम में। जब आप उनसे घर जाके वापस मिलोगे, आज वो अपना हृदय यीशु मसीह को देंगे। लीतरा का साते ले इंता लीता तो लो बदी लीतरा का बाजाली लीतरा का भरंगा घी जलो लीतरे के ब्रगोजी ब्रगाजी ब्रगोजी ब्रगान दे लीतरा का मांता ले दारी दरबा। भारत यीशु मसीह का है, भारत यीशु मसीह का है, भारत शैतान चलेगा यीशु मसीह के नाम में, भारत में वैक्सीनेशन असफल है यीशु मसीह के नाम में, पूछताछ असफल है यीशु मसीह के नाम में, बच्चों की वैक्सीन असफल है यीशु मसीह के नाम में, स्कूल खुले हुए हैं, कहीं पर कोई बंधन नहीं है यीशु मसीह के नाम में, कोई नाइट कर्फ्यू नहीं है, कोई डे कर्फ्यू नहीं है, कोई मास्क नहीं है यीशु मसीह के नाम में। लीद्रा का भाषा थे सुसमाचार तेजी से आगे बढ़ रहा है यीशु मसीह के नाम में, भारत के कोने कोने में सुसमाचार पहुंच रहा है लोगों तक यीशु मसीह के नाम में। लोग यीशु को अपने प्रभु के रूप में ग्रहण कर रहे हैं, भारत में सत्यनिष्ठा और उद्धार की बारिश हो रही है यीशु मसीह के नाम में। लोगों के हृदय खुले हैं, लोगों के हृदय खुले हैं सुसमाचार को ग्रहण करने के लिए यीशु के नाम। लाशा थे लीद्रा का भाषा थे ओ हालेलुया ओ हालेलुया हालेलुया। चिल्ला सकते हैं महिमा महिमा। ले शाखो तो लो अपने हाथों को उठा लीजिएगा। रे से थेले मुंकर के सीती ली दली है। अगर आप पहली बार आए हैं तो हम आपका स्वागत करना चाहेंगे। खड़े हो सकते हैं अगर पहली बार आए हैं, प्लीज खड़े हो सकते हैं। जोर से ताली बजाएंगे हम उनके लिए, और जोर से ताली बजाएंगे। थैंक यू। तो हम चाहते हैं आप भी यीशु को अपना प्रभु बना के जाइए, ताकि ये चीजें जिनका हम आनंद उठा रहे हैं आप भी उठा पाए। तो बहुत सरल है, अपनी आंखें बंद कर लीजिए और इस प्रार्थना को मेरे पीछे अपने मुंह से बोलिएगा। मुंह से बोलना जरूरी है, परमेश्वर का तरीका यही है। बोलिएगा, हे प्यारे पिता परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह में, जीवित परमेश्वर के पुत्र में। मैं विश्वास करता हूं कि यीशु मुझे बचाने के लिए क्रूस पर मरा और परमेश्वर ने उसे तीसरे दिन मरे हुओं में से जिंदा किया और वो आज जीवित है। मैं अपने मुंह से घोषणा करता हूं, अपने हृदय में विश्वास करके, कि यीशु मसीह जीवित परमेश्वर का पुत्र अभी से मेरा प्रभु है, मेरा स्वामी है। मैं बच गया हूं, मेरा उद्धार हो गया है। आज से मैं नया जन्मा हूं और मैं विश्वास के द्वारा अपने अंदर परमेश्वर के जीवन को ग्रहण करता हूं। धन्यवाद परमेश्वर, यीशु के नाम में आमीन। जोर से ताली बजा सकते हैं इनके लिए हम। तो स्वागत है आपका परमेश्वर के राज में। अगर आपने ये प्रार्थना की है तो परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना सुनी और आप बच गए हैं। आज से आप परमेश्वर की
संतान है। इससे पहले आप बैठे, मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर, प्रार्थना करता हूँ आपकी सारी संतानों के, मेरे भाइयों बहनों के लिए, पूरे भारत में और यहाँ पर जिन्होंने यीशु मसीह को अपना जीवन दिया है। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर, यीशु मसीह का नाम इनके ऊपर सदा के लिए बना रहेगा। यीशु के नाम है, शैतान का इनके ऊपर कोई दावा या कब्जा नहीं है। यीशु मसीह के नाम अभी से ये आशीषित हैं। प्रभु, मैंने आशीष देता हूँ आपकी बुद्धि के साथ, समझ के साथ, अनुग्रह के साथ, प्रेम के साथ और आपके आत्मा के साथ, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। बैठ सकते हैं और इनके लिए हम जोर से एक बार और ताली बजा सकते हैं। प्रभु, और ये समय अब भेंट का, ऑफरिंग देने का, दशमांश देने का, अपना फाइट कि आपके पास देने के लिए हो, लड़ाई लड़ी उन चीजों के लिए। प्रेज अली शतीला, हालेलुया। ओ प्रभु, तू सर्वशक्तिमान है और तेरी प्रेम और दया सबसे महान है। हालेलुया। हा प्रभु, तू सर्वशक्तिमान, तेरी प्रेम और दया सबसे महान। तू है करुणा निधान, तेरा स्थान है सबसे पवित्र स्थान। हा प्रभु, तू सर्वशक्तिमान, तेरी प्रेम और दया सबसे महान। तू है करुणा निधान, तेरा स्थान है सबसे पवित्र स्थान। इस स्थान में मैं रहूं सदा, इस स्थान में मैं रहूं सदा, इस स्थान में मैं रहूं सदा, इस स्थान में मैं रहूं। तेरी स्तुति करे सारा चाह, सारी धरती सारा आसमां, तेरे जैसा कोई कहा, तू महान है सबसे महान। तेरी स्तुति करे सारा चाह, सारी धरती सारा आसमां, तेरे जैसा कोई कहा, तू महान है सबसे महान। तेरी स्तुति करे सारा जहां, तेरी स्तुति करे सारा जहां, तेरी स्तुति करे सारा जहां, तेरी स्तुति करे सारा। तेरे विचार है मूल्यवान और केवल तुझ में और सारा ज्ञान दुनिया में सामर्थ्य भर दिया। देखकर पवित्र आत्मा का दान, तेरे विचार है मूल्यवान, तुझ में सारी बुद्धि और ज्ञान, सामर्थ्य भर दिया हमें, देखकर पवित्र आत्मा का दान। इस स्थान में मैं रहूं सदा, इस स्थान में मैं रहूं सदा, इस स्थान में मैं रहूं सदा, इस स्थान में मैं रहूं सदा। प्रभु, प्रभु तू सर्वशक्तिमान, तेरी प्रेम और दया सबसे महान। तू है करुणा निधान, तेरा स्थान है सबसे पवित्र स्थान। हा प्रभु, तू सर्वशक्तिमान, तेरी प्रेम और दया सबसे महान। तू है करुणा निधान, तेरा स्थान है सबसे पवित्र स्थान। इस स्थान में मैं रहूं सदा, इस स्थान में मैं रहूं सदा, इस स्थान में मैं रहूं सदा, इस स्थान में मैं रहूं सदा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद देते हैं प्रभु आपकी दया के लिए, करुणा के लिए, प्रेम के लिए। धन्यवाद इस भेंट को लाने की बुद्धि, अनुग्रह, विश्वास देने के लिए। हाँ प्रभु, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। जैसे हमने आपके वचनों के अनुसार दिया है, आपके वचनों के अनुसार हम बड़ी फसल ग्रहण करते हैं यीशु मसीह के नाम। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद, धन्यवाद। हम इन बेटों के ऊपर आपके आशीषों का आह्वान करते हैं, बढ़ोतरी का नियम बोलते हैं आपके राज के विस्तार के लिए। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड।
हालेलुया। कुछ अनाउंसमेंट ध्यान से सुन लीजिए। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, लीडरशिप का कोर्स चल रहा है जो आपने बहुत सारे लोगों ने एनरोल किया है। अगर आप पहले दिन भी आए तो क्या बन जाइए, लीडर। मत कहिए मैं लीडर नहीं बनूंगा, मैं अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीऊंगा, आप अपना नुकसान कर रहे हो। सो होने दीजिए कि जब हम कहें कि लीडर बन जाइए तो लीडर बन जाइए, जो कहा जाए उसे कीजिए, आपकी भलाई के लिए। अगर मैं लीडर नहीं बनता तो मैं आपकी सहायता नहीं कर पाता। एक दिन मैं भी चर्च में आप ही की तरह आया था, पर जब मुझसे कहा गया लीडर बन जाओ, मैंने कहा ओके बन जाता हूँ, देखता हूँ कहाँ तक पहुँचेंगे। मैं भी अकेला था और हम बढ़ते 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 यहाँ तक पहुँच गए हैं और अभी भी हम रुके नहीं हैं, हम आगे तक जा रहे हैं। सो आपको भी नहीं पता अगर आप लीडर बन जाओगे तो कहाँ तक पहुँच जाओगे। पहले लीडर बनने की कोशिश तो करो, हिम्मत तो करो कि मैं लीडर बन सकता हूँ। और लीडर का मतलब वो नहीं है बस काम करना है, लीडर का मतलब है वचन को सीखना है। सही है, लीडर वो नहीं है जो काम करता है, लीडर वो है जो वचन जानता है और वचन को काम में लाता है। हालेलुया, सुन रहे हैं, हालेलुया। कितने लोग समझ में आ रही, तो क्या बन जाइए लीडर, क्या बन जाइए। प्रोजेक्ट 5000 जिसमें हमने कहा 5000 लोग हर महीने क्या कर रहे हैं, 5000 रुपए के साथ पार्टनरशिप। लड़ाई चल रही है, क्या चल रही है, लड़ाई चल रही है। और लड़ाई में क्या लगता है, पैसा। ये चीजें जो आप सुनते हो इनके पीछे लड़ाई है, पैसा लगता है। इन चीजों रेपसोडी छापने में पैसा लगता है, वो ऑनलाइन चर्च में पैसा लगता है, टीवी स्टेशन है हमारा 24 घंटे का उसमें पैसा लगता है, इन चीजों में पैसा लगता है और ऊपर से नहीं टपकता है। वी अर्न, हम भी कमाते हैं लगाते हैं। सोनी जी कि आप भी करो, हमारे साथ अपना पैसा लगाओ। प्रेज द लॉर्ड, सुन रहे हैं आप, हालेलुया हालेलुया। प्रेइंग पार्टनर्स, हम क्या चाहते हैं 5000 लोग हमारे साथ क्या करें। फिर हमने कहा 5000 सोल विनिंग, उसके बाद ऑल इंडिया लीडर्स ट्रेनिंग है 24, 25 और 26 फरवरी। अपना समय निकालना शुरू कर दीजिए, मुंबई के बाहर वाले ट्रेन बुक करना शुरू कर दीजिए। मिडवीक सर्विस बहुत जरूरी है, जो होती है वेडनेसडे को। कब होती है, वेडनेसडे, मिडवीक सर्विस। इस सर्विस के अलावा 3 सर्विस और होती हैं, एक सेल की सर्विस, एक मिडवीक और तीसरा प्रेस फ्राइडे। क्या ये तीनों इंपॉर्टेंट है, बोली तीनों इंपॉर्टेंट है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो इस समय हम खड़े होंगे, परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, अपने हाथों को उठाइए। परमेश्वर प्रार्थना करता हूँ आपके बच्चों के लिए, कमी के शैतानों को मैं इनके जीवन से भगाता हूँ यीशु मसीह के नाम है। वो शैतान जो लोगों को कर्जा लेने के लिए उकसाते हैं, उन शैतानों को इनके जीवन से भगाता हूँ मैं यीशु मसीह के नाम है। हाँ प्रभु, वो शैतान जो उनके पैसे को आगे बढ़ने से रोकते हैं, उन शैतानों के प्रभाव को काटता हूँ उनके पैसे के ऊपर से यीशु मसीह के नाम है। मैं इनके जीवनों में समृद्धि बोलता हूँ यीशु के नाम है। हाँ प्रभु, सही जगह पर सही लोग इनको याद कर रहे हैं। हाँ प्रभु, धन्यवाद 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 धन्यवाद। आपके आत्मा के द्वारा ये आगे बढ़ रहे हैं यीशु मसीह के नाम है। वचन इनके अंदर परिणाम पैदा कर रहा है यीशु मसीह के नाम है। ये महान कामों कर रहे हैं यीशु मसीह के नाम है। ओ धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमपिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ सदा के लिए बनी रहेगी यीशु मसीह के नाम में, आमीन। निश्चय भलाई और करुणा सदा मेरे जीवन में निवास करेगी और मैं सदा के लिए परमेश्वर घर में निवास करता रहूंगा यीशु मसीह के नाम में, आमीन। थैंक यू, आनंद मनाइए। वचन क्या करता है, काम करता है। सब्सक्राइब टू आवर चैनल, हिट द बेल आइकन, लाइक कमेंट एंड शेयर। थैंक यू एंड गॉड bless you.